प्रथम तहलका न्यूज। हापुड़ पुलिस ने फेक करेंसी बनाकर सप्लाई करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल हापुड़ में पुलिस ने एक ऐसे मास्टरमाइंड अनपढ़ को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है, जो इंटरनेट और यूट्यूब की मदद से नकली नोट बनाने का कारोबार करता था और फिर उसको मार्केट में सप्लाई करता था। आरोपी ने करीब 7,70,000 से भी अधिक की नकली करेंसी को इंटरनेट और यूट्यूब की सहायता से बनाकर तैयार किया हुआ था। वहीं आशंका जताई जा रही है कि उसका इस्तेमाल आगामी पंचायत चुनाव में किया जाना था। और इतना ही नहीं, ये आरोपी हाईवे पर भोली भाली जनता से ठगी भी करते थे और फिर उन्हीं नकली नोटों को हाईवे पर जनता को धोखेधड़ी करके दे दिया करते थे और फिर फरार हो जाया करते थे। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस से बचने के लिए एक नामी चैनल का फर्जी आई कार्ड भी दिखाकर निकल जाया करते थे। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान इनके पास से 2000, 500, 200 और 100 के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से एक नामी चैनल के फर्जी आई कार्ड, 18 मोबाइल फोन, 8 फर्जी आधार कार्ड और 2 तमंचे, नोट छापने की मशीन, प्रिंटर, 1 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ये हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने एक प्रोफेशनल ठग को गिरफ्तार किया और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। ये बहुत ही पेशेवर ठग है। इसके पास से 7,70,000 की नकली फेक करेंसी, हाई क्वालिटी करेंसी मिली है, जो कि इसने खुद एक सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से बनाई है। इसके पास से फर्जी प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल के फर्जी फेक आईडी मिले हैं, जो इसने बनवाए थे, और ये अपने आप को प्रेस का कह के पुलिस चेकिंग के दौरान बचने का प्रयास करता था। साथ ही साथ इसके साथ मल्टीपल फेक आधार कार्ड मिला इसके पास, लगभग 18-19 मोबाइल फ़ोन चोरी के मिले हैं, हथियार भी मिले हैं जो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ करीब 14 राउंड इसको कारतूस भी मिला है। पूछताछ में उसने ये बताया कि ये जो गलेबल लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो रास्ते में मिल जाते हैं, उनसे ये ठगी करके मोबाइल फ़ोन ले लेता था और उनको एक शीशा पकड़ा देता था जो बैग के अंदर होता था, उसी डायमेंशन का होता था। साथ ही साथ ये जो फेक करेंसी इसकी है, ये सस्ते दामों में अपने साथियों को बेचता था, उनसे ये प्रॉफिट कमाता था और वे शाम के टाइम जब ये देख नहीं पाते हैं पब्लिक, उन दुकानदारों को ये दे देता था, इसमें इसने मुनाफा कमाता था। ये जेल भी जा चुका है, बिजनौर से जेल गया है, ये मुजफ्फरनगर से जेल गया है और ये बहुत ही प्रोफेशनल ठग है, जो आप देख चुके किस तरह की ठगी करता है। सर, इसने सीखा कहाँ से ये? इसका कहना ये है कि इसने इंटरनेट पर सीखा है, यूट्यूब पर कुछ वीडियो पड़े हुए हैं कि कैसे फेक करेंसी बनाते हैं, ऐसा उसने बताया है कि वहाँ से इसने सीखा। सर, किस किस चैनल का आईकार्ड बरामद है? प्रोमिनेंट चैनल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही नेशनल लेवल का चैनल है जिसका इसने आईकार्ड फेक बनाया था। उसके साथ ही ललित ने आईकार्ड बनाने में और फेक आधार कार्ड बनाने में इसकी मदद की थी। जहां इंटरनेट और यूट्यूब की मदद से लोग कई तरह का खाना बनाना सीखते हैं और काम आने वाली कई चीजें इंटरनेट की सहायता से सीखते हैं, वहीं हापुड़ में एक अनपढ़ युवक ने इंटरनेट और यूट्यूब की मदद से नकली नोट बनाने का कारोबार शुरू कर लिया और आरोपी ने करीब 7,70,000 से भी अधिक की नकली करेंसी तैयार कर ली, जिसको पुलिस ने उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। प्रथम तहलका के लिए हापुड़ से ब्यूरो रिपोर्ट।